करीना कपूर को ट्रोलर्स ने किया जबरदस्त तरीके से ट्रोल, साथ ही साथ उन्हें कहा लाल टमाटर। तो आखिरकार लाल टमाटर ऐसे टैग्स क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं ट्रोलर्स करीना कपूर को, चलिए जानते हैं इसके पीछे की क्या है पूरी वजह इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूँ कि लगातार सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से करीना कपूर के पिक्चर्स हो रहे हैं वायरल, जिसमें करीना अपनी बहन करिश्मा और अपने बेटों के साथ बेसिकली मालदीव्स के ट्रिप पर पहुंची, जहां से उन्होंने लगातार कई सारे पिक्चर्स शेयर किए थे और अपने फाइनली ब्रेक को एंजॉय किया अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ, और कई सारे पिक्चर्स शेयर करने के साथ साथ फुल टू एंजॉयिंग मोड में नजर आई। ऐसे में लगातार आपको बता दूं कि करिश्मा और करीना की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, एंड ऐसे में करिश्मा और करीना की बॉन्डिंग इस पिक्चर में तो देखी जा रही है, लेकिन ख़ास तौर पर इस पिक्चर में करीना कपूर के चेहरे के रंग को देखकर लोग ट्रोलर्स ट्रोल करने लगे, बिकॉज करिश्मा और करीना दोनों काफ़ी खूबसूरत तो लग रही हैं, लेकिन करीना कपूर के चेहरे का रंग काफ़ी ज़्यादा लाल पड़ा हुआ है। ऐसे में करीना बिल्कुल टमाटर की तरह लाल नज़र आ रही हैं इस पिक्चर में, इसी वजह से लगातार ट्रोलर्स कई बार इन्हें इस पिक्चर के लिए ट्रोल करते हुए नजर आए और पूछते हुए नजर आए कि आखिरकार करीना आपके चेहरे को क्या हुआ है, आप बिल्कुल लाल टमाटर क्यों लग रही हैं, आपने ऐसा क्या किया है चेहरे पर। हालांकि आपको बता दूं कि ये पिक्चर काफ़ी प्यारी है, जो दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी प्यारी है, सिस्टर्स गोल्स कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग था करीना का ये लाल चेहरा, जिसकी वजह से लगातार ट्रोलर्स उनके चेहरे को लेकर लगातार ट्रोल करते हुए नजर आए। अब ऐसे में आखिरकार अब तक कोई खुलासा नहीं किया करीना ने कि इनके चेहरे के रंग के रंग लाल कैसे हो गए हैं। तो फिलहाल लगातार आप भी देखें ये तस्वीर, जिसमें करिश्मा और करीना साथ तो नजर आ रही हैं, लेकिन इस पिक्चर में इनकी बॉन्ड से ज़्यादा करीना की चेहरे को लेकर ट्रोलिंग्स किए जा रहे हैं। तो करीना कपूर के इस लाल चेहरे, जो कि लोग उसे टमाटर कहते हुए नजर आ रहे हैं और टमाटर से यानी कि लाल टमाटर से कर रहे हैं कंपेयर, आप भी देखें करीना कपूर के ये लुक्स और बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में या आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या है रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।